ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। भगवान ने रास लीला की, और जब भगवान ने रास लीला की तो गोपियों को आ गया अभिमान। और ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो वो है अहंकार। भगवान के सामने जब भी जाओ अपने झूठे अहंकार का मुकुट उतार करके जाओ। उनके सामने अहंकार काम नहीं आता, उनके सामने तो विनम्रता, सरलता, नम्रता, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये काम में आता है, अहंकार नहीं। अहंकार से जाओगे तो वो आपके तरफ देखेंगे भी नहीं। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो पौधे में परिवर्तित ना हो पाए उससे पहले उखाड़ के मैं उसे फेंक देता हूं। और गोपियों को वही आ गया। अब बताइए, माताएं हमारी बैठी इतनी सारी, आप खीर बनाती हैं, बनाती है ना, खीर में क्या क्या डालती हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, एक एक करके जोर जोर से क्या डालते हैं खीर में? दूध, फिर चावल, फिर शक्कर, फिर मेवा, ड्राई फ्रूट्स, फिर इलायची, फिर केसर, केसर कोई फ्लेवर, कई 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 लोग खोवा भी डालते हैं, फिर बस ये सब मिला दो और खा लो, गैस उबालो, आधा एक घंटा लगता है उसको, अच्छा आप एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनने में, है ना। और इतनी अच्छी खीर बनाई, ध्यान से सुनना, इतनी अच्छी खीर बनाई और खीर बनाने के बाद उसमें एक बूंद नींबू की डाल दो। खाई है ऐसी खीर कभी? खाई है? नहीं खाई? खाइएगा, अच्छी लगती। मैंने नहीं खाई, मैंने खाई नहीं है, बस ऐसे ही बोल रही हूं। तो इतनी अच्छी खीर हमने बनाई और एक बूंद नींबू की हमने उस खीर में डाली, एक घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। खीर खाने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे ही हमने भक्ति की, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, इतनी सारी सामग्री इकट्ठी करके एक घंटे डेढ़ घंटे मेहनत करके खीर बनाई, एक बूंद नींबू की पड़ी तो खीर खाने योग्य नहीं रह गई। वैसे ही हमने भक्ति की, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से, आस्था से, संयम नियम से, प्रेम से भक्ति की। और इतनी अच्छी भक्ति करने के बाद उसी भक्ति में एक बूंद अहंकार की पड़ जाए तो भक्ति वो बेकार। इतनी भक्ति की हमने, लेकिन उसी भक्ति का अहंकार आ गया कि अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो जैसे एक बूंद नींबू की पड़ने पर खीर व्यर्थ है, वैसे ही भक्ति में यदि एक बूंद भी अहंकार आ जाए तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। गोपियों ने भगवान को पा तो लिया, लेकिन उसी पाने का अहंकार आ गया। और जब गोपियों को अहंकार आया, गोपियों को अभिमान आया, गोपियों को घमंड आया, तो क्या हुआ? जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान वहां से भाग गए। भागे नहीं है भगवान, अपने भक्त को छोड़कर के कभी नहीं भागते। भागे नहीं है कृष्ण, गोपिकाओं के नेत्रों में पड़े अज्ञान के और अहंकार के पर्दे के कारण सामने खड़े कृष्ण भी गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण हमें छोड़ करके भाग गए, चले गए, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे कृष्ण गोपियों को।
और उस समय गोपियों ने भगवान को खोजना, भगवान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। सारे वृंदावन में गोपिकाएं कृष्ण को खोजती हैं। बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, गोपिकाएं उन पेड़ों से पूछती हैं कि आपकी दृष्टि तो दूर तक जा रही है, जरा देख करके बताइए कहीं कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कहीं कृष्ण नजर आ रहे हैं। गोपियां मैया तुलसी के छोटे छोटे पौधों से कहती हैं कि माँ कन्हैया सदैव आपको अपने कंठ में धारण किए रहते हैं, आपको तो पता होगा कृष्ण कहाँ है। माँ तुलसी ने कहा मैं भी नहीं जानती कृष्ण कहाँ है। पूरे वृंदावन में, रमण रेती में, निधिवन में, यहां पर वहां पर चारों तरफ गोपिकाएं हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तम चक्षाना। तो भगवान ने गोपियों को छोड़ के जब चले गए तो गोपिकाएं हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज कहते हुए वृंदावन में कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, पर भगवान नहीं मिले। गोपियां आगे बढ़ी और जब गोपियां आगे बढ़ी तो ब्रज की धूल में गोपियों ने भगवान के चरण कमलों को देखा। और ब्रज की धूल में जब कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का गोपियों ने दर्शन किया है तो गोपियां कहती हैं धन्या अहो अमियात्यो गोविंदांग्र यब्जुरेण वहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धन्यो घनोत्तये। गोपिकाएं एक दूसरी गोपी से कहती हैं धन्या अहो हम धन्य हैं। तो कहा धन्य क्यों है? कहा गोविंदांग्र अपचुरेण वह, देखो हमें गोविंद के चरणों की धूल मिल गई है इसलिए हम धन्य हैं। आपस में चर्चा करती हैं धूल से क्या होता है, तो गोपियां कहती हैं यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए ब्रह्मेशो ब्रह्म धन महेशो, संधि विच्छेद कर दो, ब्रह्मा और भगवान शंकर तरसते हैं यान ब्रह्मेशो, ब्रह्मा और शिव तरसते हैं और रमा देवी, रमा देवी मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी स्वयं नारायण के चरण कमलों के पास में बैठ के उन चरणों की सेवा करती हैं, वो भगवती रमा, वो भगवती कमला, वो भगवती पद्मा, वो भगवती चपला भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती है। यान ब्रह्मेशो रमा देवी, ब्रह्मा तरसते हैं, शिव तरसते हैं, लक्ष्मी तरसती हैं, कौन ब्रह्मा? कहा जब यह जीव माँ के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा इन पांच बातों को तय करते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। आपकी उम्र कितनी होगी, आप अपने जीवन में क्या करेंगे, आपके पास धन कितना होगा, आपके पास ज्ञान कितना होगा और आपकी मृत्यु कब होगी, इन पांच बातों को विधाता गर्भ में निश्चित करते हैं। वे ब्रह्मा भी तरसते हैं यान ब्रह्मेशो महेशो, महेश मतलब भगवान शंकर, कौन भगवान शंकर? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। वे भगवान शंकर भी तरसते हैं, क्यों? गोविंदांग्र यब्जुरेण वा, गोविंद के चरण कमलों की रेणु को पाने के लिए, धूल को,